मैं दीक्षित हूँ, मेरी आध्यात्मिक दिनचर्या कैसी कैसी होनी चाहिए जिसमें मुझे परम सत्य की प्राप्ति हो। परम सत्य की प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, पहली बात समझो। जो सत क्रियाओं का आदेश दिया गया है वो असत क्रियाओं से बचने के लिए है, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा शक्ति है, अगर उसका हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो रुकेगी नहीं, गलत प्रयोग होगा ही। अगर हम समय को शास्त्र के अनुसार, कानून के अनुसार व्यतीत नहीं करेंगे, नियम के अनुसार व्यतीत नहीं करेंगे, तो नियम के विपरीत वो होगा ही होगा। तो वो क्रियाएं असत क्रियाओं के त्याग के लिए हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, भागवतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, ये असत क्रियाओं के रोकने के लिए हैं। कानून ऐसा कहता है ऐसे चलना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है ऐसे चलना चाहिए। भगवत प्राप्ति होती चिंतन से, जैसे एक चिंतन वासनात्मक चल रहा है, गलत चल रहा है, शरीर भाव से भोगों में विचरण, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? आपका चिंतन भागवतिक चल रहा है सुबह से लेके रात्रि तक, और आप मरीज की सेवा कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप एक किसान हैं, आप एक व्यापारी हैं, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका चिंतन प्रभु से जुड़ा हुआ है। भगवत प्राप्ति सिर्फ चिंतन से होती, सिर्फ चिंतन से। भगवान स्वयं कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, हरि श्लोक में अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा। यहां यो शब्द है गृहस्थ शब्द, विरक्त शब्द, स्त्री शब्द, पुरुष शब्द, ऐसा नहीं। यो माने जो, जो भी मेरा अनन्य चिंतन करेगा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, अर्थात उसके लिए भगवत प्राप्ति सुलभ है। चिंतन, चिंतन कब होता है? जहां हमारी प्रियता होती है वहां चिंतन होता है। जो हमें प्यारा लगता है उसका चिंतन होता है, जो भोग प्यारा लगता है, जो व्यक्ति प्यारा लगता है, जो हमें पदार्थ प्यारा लगता है, जो हमें स्थान प्यारा लगता है, इसी में जाता है हमारा अधिक चिंतन, प्रियता पूर्वक इसी में जाता है। जो वस्तु व्यक्ति स्थान हमें प्यारा लगता है, देखो शरीर प्यारा लगता है तो शरीर के संबंधी प्यारे लगते हैं। अभी सूचना आ जाए 5 लोग एक्सीडेंट में मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी आ जाए कि आपके मौसिया उसमें थे, दूर का संबंध, अच्छा अब पूरी चित्तवृत्ति घसीट जाएगी। देश संबंध, इंद्रिय संबंध, भोगों का संबंध, मन संबंध, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान, इनमें प्रियता है, इसी का चिंतन होता रहता है। या जो हमारे प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान, उसका चिंतन। चिंतन दो धाराओं में चल रहा है, राग और द्वेष, राग अनुकूल, द्वेष प्रतिकूल। बस इसी चिंतन को राग और द्वेष से हटा के अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। राग और द्वेष जनित जो चिंतन है, हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति है, वो इन दो तारों में जा रही है, कोई रागात्मक कोई द्वेष। आप देखो, जांच के देखो, अगर आध्यात्मिक हो तो अंतर्मुख हो, और देखो वस्तु व्यक्ति स्थान, जहां हमारा मन इंद्रियों के साथ जा रहा है वो तो प्रिय होगा और या कोई अप्रिय होगा, राग या द्वेष। राग द्वेष क्रियाओं से नहीं सुधारा जा सकता, चिंतन से सुधारा जा सकता है। पहली बात ये स्वीकार करनी होगी भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले पति को कि भगवान कह रहे हैं एकमात्र मैं ही सब रूपों में व्याप्त हूं। चलो उतना ज्ञान नहीं, तो इतना ज्ञान हम एक मंदिर में भगवान को मान सकते हैं, तो क्या इन मंदिरों में भगवान को नहीं मानेंगे क्या? अगर इन मंदिरों में भगवान नहीं है तो चेतनता किसकी है? ये चैतन्य घन कौन है? तुम जानते हो तुम कौन हो? अगर तुमसे पूछे तुम कौन हो तो अपना नाम बताओगे, शरीर का भाव रख के बोलोगे आप, तो क्या आप ये हो क्या? ये तो जला दिया जाएगा, ये तो मिट जाएगा। आप मिटने वाले नहीं हैं, आप अमिट अविनाशी दुख रहित चाह रहित सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप हैं आप। अब वो ज्ञान अगर नहीं है तो बात मान तो लो ना। भगवान कह रहे मत्ता परतर्म नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी को उपदेश किया कि तुम मेरी माया की सृष्टि में जा रहे हो रचने लिए, तो ये ध्यान रखना
मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है, मैं ही रचना करने वाला हूं, मैं ही जो रचना की गई वो भी मैं ही हूं, मैं पालन करने वाला हूं, मैं ही जो पालन किया जा रहा है जिसका वो भी मैं हूं, मैं ही विनाश हूं और जिसका विनाश किया जा रहा है वो भी मैं हूं, मैं के सिवा कुछ नहीं है और वो मैं हूं। बात समझ रहे ना, जब तक सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक भगवत प्राप्ति का कैसे भाव बनेगा। तो अब हमारी जहां वृत्ति जाए, चाहे राग से या द्वेष से, यदि हमारा ये भाव है कि ये मेरे प्रभु हैं, तो राग द्वेष का प्रभाव मिट जाएगा। अब सतत नाम मंत्र जो गुरु ने दिया है, कहीं ना कहीं तो जुड़ता है अध्यात्म का पथिक, सब नाम बराबर महिमा वाले हैं, सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। प्रेम का रसास्वादन अलग अलग है, कोई निराकार, कोई साकार, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई अमुक अमुक अमुक, भगवान के अनंत नाम हरि लीला और हरि नाम हरि रूप अनंत है। वो नाम निरंतर जपने का प्रयास करना, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखना। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो प्रभु ही प्रभु है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जो बीच में हम राग द्वेष कर रहे हैं, अच्छा बुरा मान रहे हैं, मेरी माया जनित मलिन बुद्धि का लक्षण है, वस्तुतः प्रभु ही। भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, व्यवहार की नहीं कर रहे। अब हमारा जब चिंतन अखंड होने लगा तो हम वही थे वही रहेंगे, ये अनुभव हो जाता है, कोई नई बात नहीं होती। जो हमारा स्वरूप है ना वो परमात्मा स्वरूप है। कई बार समझाया जैसे समुद्र में तरंग नाम वायु विकार का, अगर वायु विकार ना हो तो शांत समुद्र ही है, वायु विकार हुआ तो उसे तरंग कहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्म स्वरूप माया के कारण, जैसे वायु विकार ना कारण बना तरंग नाम का, ऐसे माया के कारण देहाभिमान प्रकट हो जाने से वो जीव कहा गया, वो अनेकता को विभिन्नता को भेद को प्राप्त हुआ। और माया जनित मल जहां नष्ट होता है तो त्रिगुणातीत भाव, तो एक साक्षात ब्रह्म वही है, जानत तुम्हें, तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है, सदक्रियाओं से, असदक्रियाओं का त्याग होता है, तभी हृदय पवित्र होकर भगवदाकार होता है। तो चिंतन कहाँ है ये देखते रहे, अगर चिंतन नहीं देखा तो बाहरी क्रियाओं का कुछ और फल हो सकता है। उद्देश्य क्या है आपका, क्रिया तो भागवतिक है, चिंतन क्या है? अब क्रिया एक सांसारिक है, वो कोई अधिकारी है, वो कोई किसान है, कोई व्यापारी है, या कोई राजकीय विभाग में, या कोई प्राइवेट किसी भी विभाग में कार्य कर रहा है, बड़ी जिम्मेवारी से काम कर रहा है, और अंदर से चिंतन है कि भगवान ये आपकी सेवा सृष्टि की है, और उनका स्मरण कर रहा है, अधर्म आचरण, वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के योग्य है, भगवत प्राप्त होगा। भगवत प्राप्ति चिंतन, या एक पॉइंट केवल बचता है आखिरी में कैसे भी नाम निकल जाए भगवान का, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो आखिरी का चांस है। पर वो तो बहुत मुश्किल होता है, जब जीवन भर अभ्यास संसार के चिंतन का भोगो किया तो आखिरी में वही चिंतन आएगा, वो प्रभु का। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे अजामिल के मुख से निकल गया नारायण नाम, बात उसकी बन गई, वो कोई बिरला ऐसा साधु कृपा भगवत कृपा से, नहीं तो जीवन भर जिसका अभ्यास किया जाता है परिणाम वही होता है। तो हम जीवन में अभ्यास करें भगवत चिंतन का, इससे भगवत